हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो ऐसे साथी जिनको अभी तक जो है वो प्रोग्राम बनाना नहीं आया था, वो प्रोग्राम बनाना भी मेरे इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो प्रोग्राम कैसे बनाया जाता वो डाला था। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम कैसे बनाएँ, ऐसा टर्निंग जिसके अंदर हमें दो या दो से अधिक डायमीटर जो है वो बनाना हो। तो स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों और G01 का कोड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे स्टेप टर्निंग प्रोग्रामिंग। तो स्टेप टर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में इस प्रकार से एक जॉब है। इस जॉब का जो डायमीटर है वो 100 mm का है। ये डायमीटर आपका कितने mm का है, 100 mm का है। तो ये डायमीटर आपका जो है वो 100 mm का डायमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 90 mm की लेंथ है। और इसी जॉब में से अब हमको क्या करना है कि स्टेप काट रहे हैं। स्टेप काटने के लिए आपको जो है वो इस प्रकार से आपको जॉब बनाना है, दो तीन डायमीटर इसके अंदर बनाने हैं आपको, तीन डायमीटर बनाने हैं आपको। आगे का डायमीटर, ये डायमीटर और आपको बनाना है ये वाला डायमीटर। तो तीन डायमीटर आपको बनाने हैं। तो डायमीटर यहाँ पर जो है वो आपका 100 का ही रहेगा, ये डायमीटर आपको 98 का बनाना है और ये डायमीटर आपको बनाना है 96 का बनाना है। तो इन तीनों डायमीटर की जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो टोटल लेंथ तो हमारी है कितनी, टोटल लेंथ है आपका, टोटल लेंथ है 90 mm। और अब जो अगर ये डायमीटर हमारे अगर बन रहे हैं तो इनकी भी लेंथ जो है वो अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर ये जो 96 का डायमीटर है इसकी लेंथ मान लो मैंने ले ली 30 mm, यहाँ पर इसको ले लिया मैंने 20 mm, बाकी बच गया आपका 40 mm। तो ये आपका 40 बच गया है। तो आपको क्या करना है, ये वाला मटेरियल आपको जो है वो क्या करना है, रिमूव करना है। ये वाला मटेरियल आपको जो है वो रिमूव करना है, ये आपको मटेरियल रिमूव करना है इतना इतना। और ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या रहेगा, चक में रहेगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका चक में रहेगा। इसको काटने के लिए आप TNMG इंसर्ट यूज़ कर सकते हो, CNMG कर सकते हो, ठीक है, VNMG, DNMG, आप जो भी आपके पास में इंसर्ट है टर्निंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो आज हम लोग जो है वो इसको क्या करेंगे, एक एक mm का डेप्थ ऑफ कट लेंगे और हम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए टोटल हमारे पास में ये जो 100 का डायमीटर है और ये 96 का डायमीटर है, टोटल हमने क्या करना है, टोटल कितना mm मटेरियल रिमूव करना है हमें, 4 mm का मटेरियल रिमूव करना है। पहले डायमीटर बनाएंगे 98 का, फिर बनेंगे 96 का। तो पहले 98 का डायमीटर बनाएंगे फिर 96 का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो हमारा टूल रहेगा, ठीक है। तो इस टूल से हम लोग इसको काटेंगे, कैसे डेप्थ ऑफ कट लेंगे ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया गया था कि आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है, हेडर कैसे लेना है, तो वो मैं हेडर भी आपको बताऊंगा। तो प्रोग्राम के हेडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, G01234, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे यहाँ पर N1 और यहाँ पर डालेंगे G28, U0.0, W0.0 डालेंगे और उसके बाद में डालेंगे हम लोग टूल नंबर वन ऑफसेट नंबर वन। इसके साथ में हम लोग डालेंगे यहाँ पे G50S2000, एंड ब्लॉक लगाना है आपको यहाँ पर G96S200M03।
तो ये G96 कटिंग स्पीड डाली हमने, ये RPM डाल दी हमने 2000 डाली, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे, तो इसके लिए हमें जो एक G21 का कोड लगाते हैं, G99 और G90। G21 का कोड इसलिए लगाया है फीड MM पर, सॉरी MM डाटा इनपुट के लिए, MM में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फीड MM रेवोल्यूशन और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। तो डायमीटर आपके पास में 100 का है, तो हम थोड़ा सा प्लस में लेके चलेंगे वैल्यू को, G0 एक्स की वैल्यू 105 कर लेते हैं, 105.0, और जेड को हमने रखा 5.0 प्लस में रखा। यहाँ पर कूलेंट ऑन करना है आपको M08। तो सबसे पहले हम लोग डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, डेप्थ ऑफ कट लेंगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट लेंगे। तो पहला कट हम मान लो एक डेप्थ ऑफ कट अगर 0.5 का है, तो टोटल डेप्थ ऑफ कट हमारा जो है वो 1 mm का होगा। तो हमारा जो पहला कट आएगा वो 99 का कट मारेंगे, x की वैल्यू 99 रखेंगे। तो G0 रखना आपने, G0 x की वैल्यू 99.0 और z 1.0। अभी मेरे टूल ने पोजीशन ले लिया, x 99 और z 1 पे प्लस में है टूल हमारा अभी। अब टूल को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे मटेरियल को काटेगा, फीड में लेके आएंगे G01, लीनियर कटिंग का कोड डालेंगे G01, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 99.0, z माइनस अब हमारा टूल कितना आएगा, देखिए एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में आपका यहाँ से प्लस करता हुआ आता है, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया आपका, 50 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो जेड माइनस आपको लेना है 50.0, और यहाँ पे फीड लगा दीजिए, 0.2 का फीड लगा दिया मैंने मान लो, ठीक है। ये आपका एक कट कंप्लीट हो गया। टूल को ऊपर उठाएंगे, एक्स के अंदर यू में उठाएंगे, तो G0 U1.0 इंक्रीमेंटल वैल्यू डाला और Z1.0 डाला हमने, तो टूल ऊपर उठा 1 mm और जेड से 1 mm प्लस में हो गया। अगला कट डालेंगे, अभी हमें 98 का डायमीटर बनाना है, तो टूल को पूरा लेके जाना पड़ेगा यहाँ तक। तो G0 का कोड डालेंगे, G0 X की वैल्यू 98.0 और यहाँ पे एंड ब्लॉक लगाना है आपको, ठीक है, Z mm 1 mm प्लस में है पहले ही। यहाँ पे लगाएंगे G01 और X की वैल्यू 98.0 Z माइनस 50.0, फीड लगाया 0.2 का, टूल आगे की ओर बढ़ गया आपका, मटेरियल कट गया। वापस G0 का कमांड लगाएंगे, U1.0 डालेंगे, Z1.0 डालेंगे, टूल आपका ऊपर उठेगा। अगला प्रोग्राम यहाँ पर हम डालेंगे G0 X की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, X की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, ये 98 का डाया हमारा कट चुका है, अब लेना है 97, X की वैल्यू लेनी है 97.0, एंड ब्लॉक लगाएंगे, G01 लेंगे, G01 X की वैल्यू 97.0 और Z माइनस। अब Z माइनस आपका टूल सिर्फ यहाँ तक जाएगा, तो Z माइनस 30 लगाना है आपको, Z माइनस 30.0 और फीड लगा दीजिएगा 0.2 का फीड लगाया हमने। टूल को ऊपर उठाएंगे, G0 U1.0 और Z1.0, टूल ऊपर उठ गया आपका। उसके बाद में G0 X की वैल्यू, लास्ट कट है हमारा 96 का, तो X की वैल्यू 96.0 डालेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। G01 X की वैल्यू 96.0, Z माइनस 30.0 और आपको लगाना है फीड। ये आपका डायमीटर जो है वो कंप्लीट कट गया है, 96 का कट गया, ठीक है। यहाँ पे टूल को अब ऊपर उठाएंगे, तो G0 का कोड लगाएंगे और यहाँ पे 105 वाली लाइन डालेंगे, G0 X 105.0 और Z को हमने डाल दिया 5.0, M09 लगाएंगे, कूलेंट ऑफ कर दिया। यहाँ पे कोड डालेंगे G28, होम पोजीशन पे पहुँचाएंगे, G28 U0.0 W0.0, यहाँ पे कोड लगाएंगे M05 का कोड लगाया और यहाँ पर लगाया M30 का कोड लगाएंगे,
ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से सिंपल जो है हम लोग G01 के अंदर भी आराम से जो है वो हम लोग टर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे वीडियो को कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आपने अधिक से अधिक शेयर करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो आपको कैसे लगा वीडियो को कमेंट जरूर करना। नमस्कार।